दर्शकों, हर पार्टनर यही चाहता है कि उसका जीवन साथी उसकी हर बात माने, लेकिन अक्सर ये बात देखने को मिलती है कि कुछ लड़कियां अपने पति को कंट्रोल करने लगती हैं। ऐसा वे अपनी राशियों के गुणों के कारण ही करती हैं। जी हाँ, पार्टनर के साथ मनमानियां करने वाली इन राशियों की लड़कियां पूरे घर को काबू में रखती हैं। तो आज हम आपको उन्हीं राशियों की लड़कियों के बारे में बताएंगे जो अपने पति को वश में करके रखती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि की महिलाएं उस इंसान से शादी करना पसंद करती हैं जो कि दृढ़ संकल्प और ताकतवर हों। अगर उनकी शादी इस तरह के इंसान से नहीं होती है तो वे हमेशा अपने जीवन साथी को कंट्रोल में रखती हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक की। वृश्चिक राशि की महिलाएं बहुत ही रहस्यमयी होती हैं। दूसरों इंसानों के मन में क्या चल रहा है इस राशि वाली लड़कियां बहुत अच्छे से समझ जाती हैं। दिखने में सुंदर ये महिलाएं किसी की गलती को जल्दी से माफ़ नहीं करती हैं। अपने गुणों के कारण वृश्चिक राशि की औरतें हमेशा सामने वाले इंसान पर हावी रहती हैं। अगर बात करें इनके पार्टनर की तो ये अपने पार्टनर को हमेशा अपने बस में रखती हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। इस राशि की लड़कियां ज़्यादातर शांत और गंभीर स्वभाव की होती हैं। जल्दी किसी भी इंसान पर विश्वास नहीं करती। पति को अपना गुलाम बनाना इस राशि की महिलाओं को अच्छे से आता है। इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है और इसलिए ये अपने घर की प्रधान होती हैं। इनकी वजह से अपने पति की पल पल की खबर रखती हैं और उन्हें अपने वश में किए रहती हैं। अब दर्शकों, बात करते हैं मकर राशि की महिलाओं की। मकर राशि की महिलाएं दिखने में बेहद ही खूबसूरत होती हैं और मन से उतनी ही शांत और साहसी होती हैं। ये बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना हंसकर करना जानती हैं। हमेशा अपने साहस और आत्मविश्वास की वजह से किसी दूसरे के आगे झुकना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण मकर राशि की महिलाएँ अपने पति को वश में करके रखती हैं। तो दर्शकों, ये थी वो चार राशि की महिलाएं जो कि अपने लाइफ पार्टनर को अपने वश में करके रखती हैं। जी हाँ, अब जानकर आप भी हैरान हो गए होंगे कि ऐसी राशियां वाली लड़कियां इस तरह की होती हैं। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आरती की रिपोर्ट।